हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर वर्ब्स इन योर ग्रामर बुक नाउ व्हाट आर वर्ब्स वर्ब्स वी ऑल नो आर डूइंग वर्ड्स एक्शन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं वर्ब्स बोलते हैं वी यूज़ वर्ब्स टू से व्हाट पीपल और थिंग्स डू कि लोग या कोई भी चीज़ कौन सा काम कर रही हैं यानी कौन सा काम हो रहा है दोज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स वर्ब्स एग्जाम्पल राकेश ओपन द बुक्स राकेश ने अब कौन सा काम किया है ओपनिंग का काम किया है क्या ओपन किया है बॉक्स को ओपन किया है तो यहाँ पे जो ओपनड है ये क्या है आपका वर्ब है द चिल्ड्रन एट ऑल द चॉकलेट्स चिल्ड्रन ने क्या किया सारी चॉकलेट्स खा ली यानी खाने का काम हो रहा है यहाँ पे समटाइम्स वी यूज़ मोर देन वन वर्ड फॉर अ वर्ब कि एक से ज़्यादा वर्ब यूज़ होता है आपका एक से ज़्यादा वर्ड तो जैसे यहाँ पे टेलर वो टीचिंग अस तो टेलर जो है स्टीचिंग का काम कर रहा है तो उसके जो साथ जो ये वर्ड है वॉज इसको हम क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं तो ये वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है क्लोथ्स नाउ अब बी इज सिटिंग अब बी क्या काम कर रही है सिटिंग का काम कर रही है बट ये जो इज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी मेन वर्ब है दिस इज़ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये मेन वर्ब है एंड दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब नाउ अगेन रीमा इज अ गर्ल काउज आर ब्लैक तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है नाउ हैज़ इज़ यूज अब हमें जो है ये रूल याद रखना चाहिए कि आपका इज एम आर इज जो है आपका सिंगुलर के साथ यूज़ होता है एम जो है आई के साथ यूज़ होता है और आर जो है आपका प्लूरल के साथ यूज़ होगा ऐसे ही आपका वॉज जो है आपका सिंगुलर के साथ यूज़ होगा वर जो है आपका प्लूरल के साथ यूज़ होगा इसी तरह हैज़ जो है वो आपका सिंगलर के साथ यूज़ होगा बट हैव जो है आपका प्लूरल के साथ यूज़ होगा यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन आपकी क्या है कि आई के साथ एक आपका एम यूज़ होता है और एक आपका आई के साथ जो है हैव यूज़ होता है हाई हालांकि सिंगुलर है बट उसके साथ प्लूरल वाला यूज़ होगा है तो ये जो आपके यूज़ हो रहे हैं ये आपकी सिंगुलर के साथ होंगे सिंगुलर के साथ इज आएगा या वाज आएगा अगर पास टेंस है तो है आएगा अदरवाइज आपका प्लूरल के साथ आर वर और हैव एम हमेशा आई के साथ यूज होता है और दूसरा एक इसके एक्सेप्शन क्या है कि आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है नाउ योर क्वेश्चन नंबर वन इज पुट द करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक तो आपने करेक्ट वर्ब भरनी है आपको यहाँ दो दी हुई हैं अगेन आपका जैसे ऑल द प्लेयर्स प्लेयर्स हैं तो आपका हैव आएगा द ट्वाइस ट्वाइस मतलब ज्यादा सारे हैं तो आर आएगा ही वर्क्स अब आपका यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज नहीं होगी ही वर्क्स द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज अब टॉलेस्ट एक ही पर्सन है ना एक ही बॉय है काफ़ी सारे बॉयज में से तो यहाँ पे क्या आएगा लिव्स नेक्स्ट डो द कॉस्ट ऑफ ऑल कॉस्ट अपने आप में एक ही है सारे पेंस की कॉस्ट तो हैज आएगा कॉस्ट अपने आप में एक है पेंस बहुत सारे हैं बट उन सब की कॉस्ट तो एक ही है ना तो ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स वी सौ सी सीन नहीं आएगा क्योंकि सौ आएगा आपका पास टेंस में आई हु इज अब आई के साथ आप एम नहीं भर सकते क्योंकि अब यहाँ पे आई हु इज योर फ्रेंड वे स्टैंड बाय टबैको एंड एल्कोहल आर इंजूरियस टू हेल्थ की इंजूरियस है द अरेबियन नाइट्स अरेबियन नाइट्स एक बुक है दैट कंटेन्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि यू हैव टू पिक अप द वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ब्स गिवन इन द कॉलम राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड तो आपने ये स्पेस प्रोवाइडेड में लिखनी है आपका क्या है द ऑडियंस अपलॉडिड अपलॉडेड मतलब आपने किसी को सराहा है किसी काम के लिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है तो ऑडियंस ने सराहा है एक्टर की परफॉर्मेंस को तो इसका जो आपका सेम वर्ड में मीनिंग आएगा चेयरड आएगा आप चीयर करके किसी को क्या कहते हो आप किस उसको अपलॉड करते हो आप उसको खुश करते हो द हाउस हैड एवरी थिंग आई वॉन्टेड कि द हाउस हैड एवरी थिंग जो मुझे चाहिए था वो सब है उसमें तो इसका जो आएगा डिज़ायर कि मैंने जो चाह था वो है आई बॉट बॉट मतलब ख़रीदा तो खरीदने का जो इसका होगा परचेज परचेज में ख़रीदा होता है एवरी वन एडमायर्स मदर टेरेस वर्क कि सभी ने एडमायर यानी तारीफ की प्रशंसा की तो इसका जो आएगा क्या आएगा एपरीशियट एप्रिशियट भी तारीफ करना होता है नाउ ही डिड नॉट क्लोज द डोर प्रॉपर्ली उसने डोर प्रॉपरली क्लोज नहीं किया क्लोज मीन्स यहाँ पे बोल्ट बोल्ट नहीं किया मतलब प्रॉपरली नहीं क्लोज किया वी हैव फाउंड अ ट्रैक्ट लीडिंग टू द हिल हमने एक फाउंड मतलब ढूंढा मिला हमें एक ट्रैक्ट तो फाउंड का यहाँ पे क्या आ जाएगा डिस्कवर्ड Discover, डिस्कवर्ड मतलब खोजा आई एम एम्बेरेस्ड एम्बेरेज टू लिसन अबाउट योर मार्क्स कि आप तुम्हारे मार्क्स उनकी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई एम्बेरेस हुआ फील हुआ तो इसका क्या आएगा आपका अशिम्ड अशीम्ड मतलब शर्माई द इंडियन टीम फॉर द वर्ल्ड कप हैज़ बिन सेलेक्टेड इंडियन टीम वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हो गई तो इसका क्या आएगा आपका चूजन की चूज हो गई है यानी सेलेक्ट हो गया ही प्रोपोज्ड ही प्रोस्पर्ड ड्यू टू हिज बिग हार्टेड बॉस कि बिग हार्टेड उसके जो बॉस था वो बहुत अच्छे दिल का था बड़े दिल का था उसकी वजह से उसने बहुत आगे तरक्की की प्रोस्पर हुआ मतलब आगे बढ़ा वो बढ़ पाया तो यहाँ पे क्या आएगा फ्लरिश करना फ्लरिश भी आगे बढ़ना होता है ही फ्रॉन्ट वेंदा सर्व एंड ब्रॉक द ग्लास फ्रॉन्ट मतलब आपका गुस्से से चेहरा गुस्से वाला चेहरा जो होता है ना उसको हम फ्रॉन्ट बोलते हैं कि उसे गुस्सा आ गया द सर्वेंट ब्रॉक द ग्लास जब सर्वेंट ने ग्लास तोड़ दिया है तो इसका क्या आएगा स्कोल्ड स्कोल्ड भी आपका क्या होता है बहुत गुस्से वाला फेस जब आप ऐसे त्योरियाँ चढ़ा लेते हो या बहुत गुस्से वाला ना no. नेक्स्ट है आपका फिल इन द प्लान्स बाई यूजिंग द अपोजिट ऑफ द वर्ब्स अब ऑपोजिट भरने हैं आपका लव्ड लव्ड का क्या होगा आपका हेटेड हेट Hate करना नफरत करना लव प्यार करना प्रेस्ड प्रेस्ड मीन्स तारीफ करना तारीफ करने का ऑपोजिट क्या होगा आपका कंडेम करना मतलब किसी को दोष देना स्लैप्ड मतलब सोना तो इसको ऑपोजिट क्या आएगा आपका थर्ड वॉक मतलब जागना अराइव्ड मतलब पहुंचना तो इसका है डिपार्टेड डिपार्टेड मतलब आप जब किसी चीज़ को लीव करते हो कोई स्टेशन लीव करता है या घर लीव करता है तो उसको हम डिपार्टेड बोलते हैं अलग हो जाना मतलब वन मतलब जीतना तो आपका क्या आएगा जीतना लॉस्ट हार जाना बोट खरीदना खरीदने का ऑपोजिट क्या होगा सोल्ड बेचना लाफ्ड मतलब हंसना वेप्ट मीन्स रोना स्माइल्ड मीन्स आप जब स्माइल कर रहे हो तो इसका जो है ऑपोजिट क्या आ जाएगा आपका फ्रॉन्ट फ्रंट हमने अभी ऊपर भी किया था कि यहाँ पे स्कॉल्ड था और यहाँ पे फ्रॉन्ट था फ्रॉन्ट मतलब गुस्से वाला फेस तो एक स्माइलिंग फेस होता है एक गुस्से वाला फ़ेस तो ऑपोजिट हो गया ये अपियर्ड मतलब नज़र आना सामने दिखना मतलब प्रत्यक्ष हो जाना तो अपियड का क्या आ जाएगा आपका वेनिश वेनिश मतलब गायब हो जाना रेज्ड मतलब रेज हो जाना बढ़ना आगे ऊपर चढ़ जाना रेस्ड इस चीज़ को बोलते हैं हम रेज का मीनिंग जो एग्जैक्ट होता है तो इसका आपका क्या आ जाएगा लोअर लोअर मतलब नीचे को आ जाना रेज मतलब जैसे ऊपर चढ़ना बढ़ना इस चीज़ को बोलते हैं थैंक यू